नया शीशा लगवा के लाया था, लाला ने चटका दिया भाई शीशा, पकड़ लिया, गाड़ी का कपड़ा लगा ले जाके, ठीक है ना। कैसे लगे सर आपका माइंड नो? कैसा लगा? अच्छा लगा भाई। अभी ना गड़बड़ लोचा हो गया भाई, पता क्या हुआ, कोई ना बोल रहा था भाई, तो भाई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरेटर से चलाते हैं पंप को। लाला को दिखा दे करो तुम, लाला का सड़ा हुआ मुंह तुम देखते रहा करो। देखो कह रही है तू वहां से क्यों नहीं गया, कहाँ शॉर्टकट मार रहा था, कर दिया था काम उसने भाई। उसके बाद हमने उसे ठोका, मतलब मैंने नहीं, उन्होंने, कोई नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। चलो जल्दी जल्दी गाड़ी पे कपड़ा मारो, ठीक है, साफ भाई साहब, ये देखो भाई, ये ओ भाई साहब मेरा भी हो गया। और वो लाला तो पानी मारेगा नहीं गाड़ी को, तो सीधा वाइपर चला देगा। ये ले भाई लाला की गाड़ी पे कपड़ा तो मार ही लेगा। ओ लाला, लाला है ही नहीं भाई। भाई पता क्या है, ये मिट्टी है ना, अब थोड़ा कपड़ा लग जाएगा, क्योंकि नहीं तो वाइपर हो जाएंगे खराब। हाँ फटाफट कपड़ा मार रहा हूँ भाई मैं अब। हाँ क्या शीशा चटका दिया? तेरा बल्ला हो, नया शीशा लगवा के लाया था, लाला ने चटका दिया भाई शीशा। लाला ने नहीं चटकाया, और किसी चटकाया? अरे जब हम, अरे शीशा चटका ही नहीं है यार। अरे बजरी गई हुई है अंदर एक। कहाँ है बजरी? ये ले, ये तो पंछी मरा हुआ था कोई। ए डरा दिया मेरे को तुमने यार, तुमने मारा है। बच गया भाई साहब, नई विंडशील्ड लगवा के चला था मैं। इधर देखो, इधर से, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, यहाँ है यारी बजरी, यहाँ थी, यहाँ भी नहीं है, बचाव हो गया। लाला भाई साहब भाग गया मेरी गाड़ी को छोड़ के, पता नहीं कहाँ गया। तो भाई सारा सामान सेट कर दिया है, आओ आपको दिखा देता हूँ। देख रहे हो ये धूल, ये हानले वाली धूल है, हाँ ये देखो सारा सामान सेट, नैनो भी सेट, इसुजू भी सेट, ठीक है। अब भाई क्या होगी गड़बड़ कि जो नैनो का बोनट है ना वो बंद नहीं हो रहा। अब ये देखो नैनो का जो बोनट है, ये देखो ये बंद नहीं हो रहा है, तो बस मैंने सेटिंग करी है, जैसे तैसे करके मैं इसको ले जाऊंगा, क्योंकि फ्यूल भी हमारा आगे से डलता है। भाई तो बस बोनट है ना, मुझे पता है ये लग रहा है, हाँ गया था ना ये बम्पर ये इसके साथ में, हाँ हाँ वो दिक्कत कर रहा है भाई साहब, बहुत चटका है, यहाँ लग गई ये जाली, टूट गई ये, लग गया ये, टूट गया। मैं सोच रहा था बस, वैसे देखा जाए ना भाई इतना बम्पर लगा नहीं जितनी उम्मीद थी कि भाई लगेगा भाई, ग्राउंड क्लियरेंस काफी बना रखा है। हाँ इसको आपने लैंड क्रूजर का भी वो दे रखा, BMW भी है, ठीक है, आपने सारे टेस्ट तो डेवलप कर रखे हैं। बाकी भाई आज से होटल क्लोजिंग पे जा रहा है, और मेरे ख्याल से 25 दिसंबर के आसपास ले में भी क्लोजिंग पे चले जाते हैं ना, इधर सारे 70% ऑफ होटल्स क्लोजिंग पे चले जाते हैं भाई। हाँ पानी जम जाता है, दिखाता हूँ आपको ना भाई साहब, गाड़ी के अंदर पानी था, ये देखो थोड़ा बहुत जो खुली हुई बोतल थी ना, कहाँ गई, अभी तो थी यहाँ पे, ये देखो, ये देखो जो बोतल बंद है तो वो तो ठीक है, जो थोड़ी बहुत खुल गई, लेते भाई पैक में मिला लेना, काम आएगी है ना, आपके साथ ही करेंगे ना। हाँ हम तो करते नहीं, कहाँ है, कहाँ है रे लाला, लाला किधर गया, उधर चला गया, ये रहा पकड़ लिया, गाड़ी का कपड़ा लगा ले जाके, ठीक है ना, कपड़ा लगा ले भाई साहब, ये इतना रईसियत वाला इंसान है, ये कपड़ा लगाना, लड़के को बोलो पैसे दे दूंगा मैं उसको। भाई साहब हम नहीं, हम तो अपने आप लगाएंगे अपनी गाड़ी, तो भाग गया वहाँ से बातचीत करता हुआ, निहाई थी ढीठ, कर रहा हूँ भाई, हम तो कर ले अपनी का, ना तो मन नहीं मारना पड़ेगा उस गाड़ी के भी। तो जी अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट भाई, बर्फ तो जम गई थी पानी में, देखते गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है। जोटा तो लिया भाई गाड़ी ने, तो आज का भाई हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा 1370 से, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 18.8 चल रही है, और डिस्टेंस टू एम सी 172, चलो जी 38226 गाड़ी टोटल चल गई। चलो जी पहला गियर थोड़ी गर्म होने देते हैं यार, 5-1 मिनट, जय बजरंगबली। वाह जी वाह, निकल लिया जी अब हानले से, कमाल की ट्रिप रही भाई, कमाल की ट्रिप रही, साथ रहा भाई तीनों गाड़ियों का, मज़ा सा आ गया भाई। पर एक बात है भाई, अगर अकेली नैनो होती ना भाई नहीं चढ़ पाती है, क्योंकि जो सपोर्ट मिला ना आपस में भाइयों का, क्योंकि कल जाते हुए थोड़ा सा हमारे को मशक्कत करनी पड़ी थी नैनो के साथ ना, पर इतनी नहीं करनी पड़ी जितनी हमारे को शिंकुला पे करनी पड़ी थी, तो थोड़ा सा रुकी, फिर पीछे लेके गए, फिर मोमेंटम बनाया, फिर थोड़ा सा पीछे ले गए, फिर मोमेंटम बनाया, पर करते करते भाई साहब चढ़ा दी हमने, तो वही है। और एक बार तो चाबी भी गाड़ी के अंदर रह गई थी भाई, और गाड़ी हो गई थी लॉक।
तो ये है भाई वो रास्ता फोटुले 55 किलोमीटर, फोटुला टॉप 28 किलोमीटर, तो ये रास्ता भी जाता है भाई आपका उमलिंगला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है तो पूरा मेटल रोड पर थोड़ा सा स्टीप चढ़ाई है। यहीं पे देखो आपको पीछे लिखा हुआ भी मिलेगा ना, वहाँ पे वो लिख रखा फोटुले हानले वे टू उमलिंगला 92 किलोमीटर वाया फोटुला टॉप। तो यहाँ से आप जा सकते हो, आपकी गाड़ी के अंदर जबरदस्त जान होनी चाहिए, नैनो को लेके तो बिल्कुल मत जाना इधर से, अच्छी भली खासी भाई साहब तगड़ी तगड़ी जो गाड़ी है ना उनका भी दम फुल जाता है इस पे। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ रुकेंगे भाई, आर्मी कैंटीन है ये, तो यहीं पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे। ओपन हो गया है शायद, ओए होए इतने गड्डी लगा दे, सेल्फी पॉइंट भी बना रखा है भाई साहब, यहाँ वाईफाई भी दे रखा है इन्होंने। खैर अभी तो एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है भाई अपने पास अभी ना। चलो जी भाई, यहाँ लिख तो रखा 9 बजे खुलने का, पर वहाँ तो क्लोज का बोर्ड लगा। पूछ ले भाई, देख ले भाई, इसकी फोटो खींच दो भाई साहब। भाई ऐसा है, कैफे तो खुलेगा 10:30 बजे। लो भाई जी, सुबह सुबह थोड़ा सा चॉकलेट खाओ, एनर्जी बढ़ाओ। हाँ कुछ तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ले भाई हो गया क्या, चलो इसमें से हम अदा कर लेंगे। चलो भाई बैठो, निकलते आगे, आगे कुछ मिलेगा खाने का तो देखेंगे। भाई पूरी ना मोरे प्लेन्स वाली फील आ रही है, और नैनो का भाई चौथा गियर भी लग चुका है। पहाड़ों पे देखो यार, ऐसे सीनिक ब्यूटी नहीं होती, ग्रीन पहाड़, ऑरेंज पहाड़ है, पर्पल पहाड़, कितने रंग दिख रहे हैं भाई, मल्टीपल कलर्स हैं। कलरिंग करते हैं ना, पेंटिंग बनाते हैं, बिल्कुल वैसी फील आ रही है। लोमा रह गया भाई 32, अभी हम कितना चल चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर चल चुके हैं। लोमा न्योमा ना, नोमा भी आता है, फिर न्योमा आता है, और न्योमा में हम अपना फ्यूल फिल कराएंगे भाई, क्योंकि जब हम वापसी में आए थे उस टाइम तो हमारे को पंप मिला नहीं था, तो हमारा जो फ्यूल चल रहा है, चाहे वो नैनो हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे इसुजू हो, तीनों ही गाड़ियों का भाई जो ले से भरवा के चले थे वही वाला चल रहा है, तो सही है भाई, गाड़ियाँ भी अच्छी माइलेज दे रही हैं, और ट्रैफिक भी नहीं था ना भाई ज़्यादा, तो ज़्यादा रुकना उखाना भी नहीं होता, और रोड अच्छा था, मतलब ले से लेके हानले तक पूरा मेटल रोड है भाई, ये पूरा कंप्लीट मेटल रोड है। लेकिन आज का जो हमारा सफ़र है वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है, ले तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन सफ़र आज का हमारा 370 किलोमीटर का रहने वाला है। थोड़ा सा और जल्दी निकलना था, 7 बजे हमारे को निकलने का था कि यार जल्दी निकल लेंगे, लेकिन पहुँचे भाई कल रात को वापसी में लेट हम उमलिंगला से, फिर डैम चौक भी चले गए थे, तो बस वही भाई आए हैं ना, तुम्हारा आप सब कुछ देखते चलो, बार बार इतनी हिम्मत नहीं है कि हम दोबारा आएंगे और दोबारा से भाई देख पाएंगे। नैनो के साथ सपना था, और भाई मैं आज फिर कहूँगा कि ये जो नैनो हमने भाई उमलिंगला पहुँचाई है, ये ट्रिब्यूट है सर रतन टाटा जी को। तो ये हमारे आगे चल रही है भाई आर्मी की जिप्सी, सिविलियंस के लिए तो भाई बंद हो गई थी 2018 में, लेकिन भाई अभी आर्मी के लिए भाई आ रही है, ली जा रही है, ये 2020 मॉडल की है जिप्सी। आए हाय जिप्सी, जिप्सी का भाई जिप्सी है, कुछ भी कह लो भाई, इसका मुकाबला नहीं है। पहले भाई हमारे आर्मी के ट्रक क्रॉस होंगे भाई, फिर हम लेंगे। अब ये देखो जी, हमने ले लिया लेफ्ट, सीधा ये गया आपका दुंगती को, हानले से हम आए न्योमा गया। अरे राइट नहीं जा रहे प्रभु, हमने पढ़ लिया। अब इस कट से भाई न्योमा रह गया 22 माहे 42, माहे से आज हमको चेंज करना, सरचू 216 है भाई यहाँ से। ओहो सही है भाई साहब, आज तो पूरा मामला खींचने वाला है भाई। 200 किलोमीटर सरचू है, और हितेश भाई सरचू से जिसपा कितना है? सरचू से जिसपा सर 2.5-3 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड करता है ट्रैफिक कैसा है ना बारलाचला पे। आज की डेट में कहाँ ट्रैफिक है यार, सिंगल गाड़ी नहीं है वहाँ पे। तो भाई अभी एंट्री करवा रहे हैं हम एग्जिट की, तो लोमा चेक पोस्ट पे, तो भाई यहाँ से अब हम एग्जिट कर रहे हैं, वो भी लिखवाना पड़ता है, गए थे तब एंट्री करानी है, एग्जिट मारोगे तो आपको यहाँ पे अपनी एग्जिट की स्टैंप लगवानी है। भाई अभी ना गड़बड़ लोचा हो गया भाई, पता क्या हुआ, कोई ना बोल रहा था भाई, फौजी भाई थे कोई बोल रहे थे, तो आवाज़ क्लियर नहीं आई, मेरे को लगा राहुल पीछे से बोल रहा होगा कुछ गड़बड़, मैं बोला ए गुटका थूक के बात करना नहीं, ये देखो फिर किसी और से। अभी चलो बंद कर देते यार, आर्मी की बातें हम नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। तो भाई कई बार चैनल मैच कर जाता है, पता नहीं लगता कब करता है, देखो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ये सारा, तो बस वही है भाई। वो बोला कौन आया, ये कम्युनिकेशन है बीच में, ये कौन है, चुप्पी, फिर नहीं जवाब दिया हमने कुछ भी। तो जी हमारे फ्यूल रह गया भाई साहब, लाल डंडी आ गई बिल्कुल, एक ही डंडा बचा है, पेट्रोल आगे आगे घुमा के। अच्छा भाई नैनो है ही नहीं ना, यहाँ लोगों को पता ही नहीं इसका फ्यूल डलता कहाँ से है। तो भाई अभी इसको पूरा फ्यूल कराएंगे हम, क्योंकि अभी हमारा 301 किलोमीटर का रन है। अभी बताऊंगा आपको मैं आज का हमारा क्या रूट प्लान है। खाली हो गई होगी आपकी भी, बिल्कुल खाली ना,
और स्कॉर्पियो बिल्कुल खाली होली, बोनेट तो हमारी गाड़ी का वैसे खुला पड़ा है, खोलने की जरूरत है ही नहीं। आओ बताता हूँ कैसे खुला पड़ा है। तो भाई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरेटर से चलाते हैं पंप को, और बोनेट हमारा खोलने की जरूरत नहीं है, हमारा बोनेट ऑलरेडी खुला हुआ है, लॉक ही नहीं हो रहा भाई। ये सारी सेटिंग बिगड़ गई भाई, यहाँ से वो लगा ना तो ये वाला जो पार्ट था, तो भाई यहाँ तक देख रहे हो लाइट के यहाँ तक जर्क गए हुए हैं। ओ भाई साहब कमाल का ट्रिप रहा है। मैम फुल कर दीजिए पेट्रोल, कितने रुपए यहाँ पे? 104.06 104 है मैम। बिल्कुल इसको ना ऊपर तक कर दीजिएगा प्लीज़। मैम ये पंप आपका कितने बजे ओपन होता है? सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे तक? 6:30। तो भाई उस दिन हम 8 बजे पहुँचे थे तो इसलिए हमारे को यहाँ फ्यूल नहीं मिल पाया था, तो 6:30 बजे तक आओ भाई तभी न्योमा मिलेगा पंप। वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्यूल पंप है। हाँ पहले यहाँ कौन सा होता था? पहले होता था ले प्रवाह के निकलते थे लोग, काजा में होता था पहले, वो तो स्पीति में हो गया ना। अगर इधर की बात करें तो टांडी किलोंग, टांडी किलोंग तो है ही। जब आप ले से उपशी, हाँ हानले आते थे तो उपशी होता था ना, उसके बाद तो था ही नहीं पंप यहाँ पे। मैम ये गवर्नमेंट का पंप है किसी ने पर्सनली ले रखा है? गवर्नमेंट का है। अच्छा गवर्नमेंट का ही है, मोस्टली पंप इधर गवर्नमेंट का ही है ना भाई। ये भी टूट गया हमारा तो, चलो भाई अब क्या क्या टूटा है अब जाके देखेंगे। मजा आया भाई जी? अचूक भाई आपको मेरे साथ बहुत बढ़िया सर, मजा। और पता हमारा कब पड़ेगा? हमारे साथ हमें तो पूरा आया, आप बताओ और मजा कब पड़ेगा? समझदार होगा आप जवाब दे दोगे। बताओ बताओ और मजा कब पड़ेगा? जब घर घर पहुंचेगे सर। नहीं जब आप मुझे चिप्सी दिला दोगे। सही है ना भाई? लाइट का ये देख, लाइट के पैनल भी हिल गए, देख रहा है? ये दोबारा से करवाने पड़ेंगे माउंटेंस के भाई साहब। पर भाई बहुत तगड़ी ट्रिप रही है हमारी ना, मजा आ गया भाई। मैडम ने तो ऐसा फील कर दिया, देख ढक्कन बंद कर दे टाइम भी, मेरे क्या थोड़ा बाहर निकलेगा ये। चलो यार अब तो डंडी भी टूट गई, थोड़ा सा टपका है, ये कर दिया बंद। और आया भाई इसमें 2555 रुपये का 24.5 लीटर आ गया, 25 लीटर का तो टैंक ही है हमारा। चलो जी अब ये पता क्या, ये सिर्फ इसके भरोसे है, ये बस ऐसे ना जाए, ये मैंने ऐसे दबा रखा है, ये पूरा तो बंद हो ही नहीं रहा, बस इतना ही सेट हो रहा है। और भाई यहाँ पे कार्ड पेमेंट नहीं चलेगी, सिर्फ आपका गूगल पे चलेगा या कैश चलेगा बस। पेन में आया भाई 52.64 रुपए का। चलो जी इनको गूगल पे कर देते हैं। तो भाई 1442 किलोमीटर पे हमने भाई गाड़ी को रिफ्यूल करा लिया, मेरे ख्याल से अब हमारे को आगे रिफ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जेरी कैन भी है ना भाई जो हमने टांडी से भरवाया था। यार एक सीन हो गया ये भी ना कि टांडी से हम जब भी फ्यूल फिल कराते हैं ना वो हमारा बिल्कुल लास्ट तक चलता है जी। सोमोरी 76 डेबरिंग, डेबरिंग वाला आएगा पर रास्ते में रह जाएगा, न्योमा तो आएगी, हम हैं न्योमा में माहे 20। तो अभी हमारा का जो नेक्स्ट कट लेना है वो माहे से चेंज लेना है, और एक रास्ता और है भाई जो जा रहा है अपना इधर से सोमोरीरी से होते हुए भी नया कटा है ना रास्ता, तो वो वाला तो शायद इस बार हम नहीं लेंगे क्योंकि उसके लिए हमारे को एक दिन और एक्स्ट्रा लगेगा। हम लेंगे माहे, माहे से पुग्गा, पुग्गा से एक और नाम आता है यार, नाम नहीं याद रहते ना यहाँ पे। चलो आएगा जब बताता हूँ भाई साहब। भूख इतनी तगड़ी तगड़ी थी, प्लेटें देख रहे हो भी तो खाली कर दी, 3 प्लेटें डाली होंगी परम भाई साहब। आड़गस की फुल तैयारी चल रही है। यूँ तो भाई ऐसा है, स्कॉर्पियो में बैठा था, बोला भाई मैं तो पहले नींद पूरी कर लूँगा, रात ने भी तो बढ़िया सोया है। कल भी बैठा हुआ था। नहीं तो रात ने भी बढ़िया सोया है। तो ये मेरी गलती है, मैं बढ़िया सोऊं, तुम नहीं सोती, ये मेरी गलती है। वाह भाई हम ठीक है, डाटा ट्रांसफर एडिटिंग एडिटिंग हम इसी में लगे रहे, ये हो अपना ठीक है, फोटो बढ़िया खींची फटाफट इंस्टा पे लाई और चल मेरे भाई है। हाँ अब ऐसा है भाई, ये कह रहा है मेरे को थोड़ी देर पावर नैप लूँगा 1 घंटा, उसके बाद आऊँगा फिर मैं नैनो में। लाला को देखो, लाला को दिखा दे करो तुम, लाला का सड़ा वामू तुम देखते रहा करो और एंटी कमेंट किया करो इसका। एक तो राउफ लाला नाम है, एक बढ़िया सा नाम और सजेस्ट करो भाई इस भाई के लिए ना, मतलब इसकी शक्ल को देख के कितनी प्यारी शक्ल है, देख रहे हो? शेख राउफ लाला। हाँ शेख राउफ लाला, रोते ही तेज भाई को देख चश्मा लगा के खाना खा रहा है। बड़ा सात्विक भोजन है भाई साहब। यहाँ हमने देखो, हमने स्टिकर लगा दिया भाई अपना वहाँ पे, सही लग रहा है ना? एक्चुअली हम इधर ऊपर लगाना चाहते थे पर ये शीशा टूटा हुआ है, क्या पता शीशा कब बदल दे, वो शीशा सही है तो इसलिए हमने वहीं लगाया। बस भाई ठंडा हो रहा है, फटाफट खाते हुए निकलेंगे। ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच सब कुछ हो गया भाई, अब है जुदाई का मौसम है। दो पल का भाई पूरा गाना याद नहीं, अभी कुछ याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा और नीचे उतरेंगे ना तब। और ये भाई अपना साथ छोड़ के भाई निकल लिया है ले के लिए, हम जाएंगे इस रास्ते, ये जाएंगे उस रास्ते, ये पहुँचा गुड़गांव फ्लाइट से,
एंड अचूक भाई बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके ना, आपने जो साथ निभाया मतलब आपका इतना प्यारा साथ लगा मेरे को, हितेश से भी अच्छा लगा। भाई की भाई कंपनी है हिमालयन ट्रैवल डायरीज के नाम से, ये आपको बाइक्स भी प्रोवाइड कराते हैं, है इनके पास 40-50 बाइक है भाई, और गाड़ी चाहिए तो इसुजू टाइप की आपको चाहिए, जिप्सी चाहिए, जब भी आप यहाँ आए तो भाई भाई से कॉन्टैक्ट करना, भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट कर लेना, फुल मजे आएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि चूक भाई आपको साथ साथ भाई कंपनी भी दें आपको साथ जाए, देखो उसका अलग खर्चा लगेगा भाई, ठीक है ना। हाँ, मालिक आदमी है भाई, ठीक है, या आपको मार्शल चाहिए या कोई बंदा चाहिए साथ में तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो भाई अब चलते हैं, क्योंकि इनका सफ़र कितना किलोमीटर आपका, 180 आपका 180 है, हमारा 300 है, तो हमें 120 किलोमीटर ज़्यादा जाना है, इनको सारा मेटल रोड पर जाना है, हमारे को तो मेट्रल पेट्रल पता नहीं कहाँ कहाँ से जाना है। चलो ठीक है भाई जी, मिशन अकम्प्लिश हो गया भाई, अपना हमारा उमलिंगला भाई डन हो गया जी। निकल लिए हम न्योमा से, एंड भाई दिल्ली है यहाँ से 1535 किलोमीटर और चंडीगढ़ है 1035 किलोमीटर, और अभी भाई माहे पहुँचेंगे 20 किलोमीटर में। टावर आपको यहाँ ना बीच बीच में मिलते रहेंगे, कभी एयरटेल का है कभी जियो का है, जियो का थोड़ा सा कम है, और रिसेंटली अभी सुनने में आया है कि एयरटेल अपने भाई 20 और लोकेशंस पे टावर लगाने जा रहा है लेह लद्दाख के अंदर, तो भाई आने वाले टाइम में आपको कनेक्टिविटी तो ज़रूर मिल जाएगी भाई। ये देखो टैंक क्रॉसिंग बनी, यहाँ से टैंक क्रॉस करते हैं ना भाई, चलती रहती है ना ड्रिल वगैरह, तो भाई आर्मी एरिया आई है, न्योमा मिलिट्री स्टेशन था, तो माहे रह गया मात्र 15 किलोमीटर, तो जो माहे से अब हम लेंगे पुगा और उधर से पहुँचेंगे हम सीधा मोरे प्लेस। हाँ क्या पूछ रहे सर? सर पूछ रहे यहाँ इस गाड़ी में गए थे। हाँ कैसे लगे सर आपका माइनो, कैसा लगा? अच्छा लगा। चलो भाई अभी आना, अरे कोई नहीं आपके पास रखना होगा, अच्छा परमिट का है ना ये, परमिट है। हाँ अब यहाँ से आप जा रहे हो एंट्री कराना ना, एंट्री करा दो। तो अभी माहे आ गया ना, माहे चेक पोस्ट आ गई ना, आगे जाके वो पुगा के लिए कट करता है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा यही है, अच्छा तो उसी से जाना पड़ेगा आपको पुगा के लिए, वो तो लंबा पड़ जाएगा फिर। पावर शेयरिंग भी इन्होंने करा है ना? पावर शेयरिंग एसी कम सब कंपनी फिटेड है। अच्छा हां टॉप मॉडल है। हाँ देखो सर सफाई देखो कितनी है, ऊपर से डैम्पिंग वैम्पिंग करा रखी है, स्टीरियो वीडियो सब चटा टट, ये सिर्फ इनकी वजह से, ये अपना ध्यान अपनी गाड़ी का इतना प्यार कर सकते हैं, ये पेंट भी इन्होंने अलग कराया है तो रुकना चाहिए सर, है ना सर। हाँ टायर अलॉय थोड़ा लिफ्ट कराया इसको, तभी तो उमलिंग पहुंची है ये गाड़ी, 2015 का है। 15 का है सर, को विश्वास ही नहीं हुआ, 2020 में बंद हो गई थी, 19 में लास्ट आई थी, फिर नहीं चली थी। लो दिखा दूंगा मैं यहाँ से सर, कितना जाने के बाद आएगा जंक्शन? 12 किलोमीटर के बाद जंक्शन आएगा, वहाँ से हमें राइट लेना है, लेफ्ट लेंगे तो जाएंगे सोमरीरी जाना हमें। हाँ बस उसके बाद तो कोई कट नहीं, फिर तो सीधा ही रास्ता है। तो जी माहे चेक पोस्ट से लेफ्ट ले लिया हमने, मेटल रोड देखेंगे अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तो भाई ऐसे कच्चा पक्का वाला ही रास्ता है, तो इस पर हमारे को अभी 12 किलोमीटर चल के फिर हम आगे राइट टर्न लेंगे, फिर बताता हूँ कहाँ से कहाँ जाता है। मेटल रोड है भाई वैसे तो, ये भी हल्का सा बस वो ब्रिज क्रॉस किया था ना उसमें ही था बस 200-300 मीटर का, तो यही है भाई मेटल रोड है अभी तो। मुझे नहीं लगता भाई इस रूट पे हमारे को गाड़ियाँ दिखने वाली हैं, कुछ ज़्यादा चलता नहीं ना ये रोड, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मतलब होता तो है यूज़ ये भी, मतलब जो बंदा ले नहीं जाना चाहता सीधा वहाँ से होके इधर आते हैं ना अपना हानले की तरफ, तो वो लोग यूज़ करते हैं इसको, जो पांग से ही घूम जाते हैं ना, तो वो बंदे आते हैं भाई इस रूट से। लो जी यहाँ से बनता है वाई, मतलब वाई क्या टी पॉइंट कह सकते हैं, सीधा जाता है एक लेफ्ट जाता है, देखो लेफ्ट जाएगा चुमूर 103 किलोमीटर, सोमोरेरी यहाँ से 47 है, हमें जाना है भाई पुगा, तो हम पुगा से होते हुए हम पहुँचेंगे पांग। देखो वैसे तो अगर आपके पास गूगल मैप नहीं है ना, आप वैसे भी वर्बली सुन के भी आए हैं तो भी भाई आपको मदद मिल जाएगी, क्योंकि अब जो बोर्ड है ना प्रॉपर लगा रखे हैं भाई अभी यारों ने ना, और फिर भी मैं वीडियोस में ना प्रॉपर बताता चलता हूँ, कोई भी रास्ता फटता है या जंक्शन कोई बनता है कि आपको यहाँ से यहाँ लेना है, लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज रहते हैं तो एक काम करना, जिस रूट पे भी आप चल रहे हो चलने से पहले अपना गूगल मैप लगा लो, ये चलता रहेगा, इसको बंद मत करो, ठीक है, ये चलता रहेगा, इससे बस एक पता लगता रहता है कितना टाइम लगेगा क्या कुछ ये सब, तो यहाँ से पता लगेगा। बाकी जब हम उमलिंगला गए थे वहाँ का जाने का प्रॉपर रूट और आने का रात का भी प्रॉपर बोर्ड के साथ मैंने सारा वीडियो में बताया, ताकि आप जाएं तो आपकी हेल्प हो जाए। पुगा के बाद भाई थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, बट ऑब्वियसली बात है भाई पांग तक जाओगे तो चढ़ाई तो शुरू होएगी ना, तो भाई थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है
वही अपना जैसे करते हैं फर्स्ट गियर सेकंड गियर फर्स्ट गियर सेकंड गियर। सब रोड इतनी प्यारी बना रखी है कि मतलब यूं लगा लो कि मतलब अभी बना के गए हैं भाई हमारे लिए रोड है कि आओ जी नैनो फतेह करके आई हूँ मिलिंगला, उसको वापसी में ये वाला रूट हमारे को देना है। क्या भाई साहब 241 किलोमीटर है और अभी हमारे को दिखा रहा है 5 घंटे 10 मिनट ETA। भाई साहब जबरदस्त तरीके से मतलब गूगल को बीट कर रहे हैं हम। मतलब पहले ETA हमारा 7:30 का था, अब हो गया 6:57 का, लेकिन फिर भी भाई एक दो बार रुकेंगे तो वही तक आ जाएगा। पर फिर भी आज का स्ट्रेच हमारा सबसे लंबा रहने वाला है और इसी स्ट्रेच पे आप ये देखो हम बहुत कम टाइम में पहुंचेंगे। अभी आप जो लेफ्ट साइड में देखोगे ना ये है भाई सोकर लेक। अभी थोड़ा नीचे उतरेंगे, अभी ऊपर से पहले ही दिखा दिया मैंने आपको और एक शॉर्टकट भी जा रहा भाई यहीं से ले लेता हूँ। ये लो भाई, वैसे तो कर्व्स थे पर भाई अपन शॉर्टकट ले लेंगे। ये देखो कितना एक हेयर पिन था पीछे, उतराई में तो चल जाएगा। अरे तुम यार स्कॉर्पियो में डरते हो यार, मैं तो नहीं डरता, मैं तो उतारूंगा अपनी गाड़ी को। ये पता नहीं यार पीछे राहुल ना जब भी फट जाती है इसकी, ऐसे मत करो भैया ऐसे मत करो, उतरते टाइम तो कर ही सकते हैं ना आराम से। और क्या देखना यार कितना फर्क पड़ गया। अरे इन्होंने बीच में रोलर लगा दिया, अच्छा साइड से रास्ता दे रखा है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोड चलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि सड़क भाई वाकई में मैं कह रहा था ना कि भाई ताज़ी ही बनी है, तो वाकई में भाई अभी सड़क को बना ही रहे हैं ये, तो कोई नहीं साइड से रास्ता बढ़िया अपने को मिल रहा है, क्या दिक्कत है। ऐसा ऑफ रोड तो भाई लद्दाख में चलता है, पहले ऐसे ना रास्ते हुआ करते थे, अब मेटल रोड मिलने लगी हैं। मेरे ख्याल से कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा पूरे लद्दाख में ये मेटल रोड ही हो जाएंगे, ऑफ रोड वाली फील रहेगी ही नहीं लद्दाख की। ये बोर्ड आ गया, सीधा चला जाएगा भाई आपका ले 134, यहाँ से लेफ्ट सरचू 119, मनाली 295, तांगलांगला उपसी तो हमें जाना है उपसी 84 सीधा। ये जब आप लेफ्ट जाना भाई सीधे तो आप उधर पहुंच जाओगे ले। तो पांग है यहाँ से भाई 42, अभी तो अपने को यही मोरे प्लेन्स वाला रास्ता मिलेगा बढ़िया पांग तक, फिर उसके बाद पांग के बाद आएगा भाई साहब घाटा लूप और वो डेड वैली, बस वही वाला पार्ट मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगता। जो मोरे प्लेन्स की बढ़िया रोड्स का आनंद लेके 40 किलोमीटर तक हम पहुंच गए हैं भाई पांग, लेकिन अभी यहाँ रुकेंगे नहीं हम, अभी हम यही सोच रहे हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रास्ता कवर हो जाए ना वो ज़्यादा बढ़िया है, कभी तो यार टाइम से पहले पहुंच ले। वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रांजिट कैंप है भाई ये। हेलो जी वेलकम टू डेड वैली, भाई साहब देख रहे हो यहाँ होता है गजब के नज़ारे है, एक तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, एक तरफ सड़क और दूसरी साइड आपके नदी। ये ब्रिज बस बनने वाला है मेरे ख्याल से, चालू कर दिया है शायद, नहीं तो पहले तो नीचे से ही होके आते थे भाई इसमें। हाँ चालू कर दिया भाई, अरे यार उस दिन रात को निकले थे पता ही नहीं, पहले यहाँ से सीधा नीचे आते थे फिर घूम के नीचे से आते थे, वो रास्ता तो उधर से मेरे को याद है, स्कॉर्पियो हल्की सी बीच में से टच हुई थी। हाँ पर अपन ने इंजन कवर उस टाइम लगवा रखा था, नहीं शायद उस टाइम नहीं था, ये देखो ऊपर से रास्ता आता था वो वाला। अरे बाप रे तो पहले गियर में रखनी पड़ेगी भाई, यहाँ गियर बदलने का कोई चांस नहीं है भाई। एक तो ये पत्थर वाला रास्ता है ठीक है, इसमें मोमेंटम में एक बार रुक गया ना तो फिर दोबारा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये ट्रक क्यों खड़े हैं भाई, चलो कोई नहीं तो साइड में खड़े हैं माल लेके। ओ भाई आगे तो जाम है, यहाँ तो हमेशा ऐसे होता है, ये तो पूरा हो गया भाई, अब तो फंस गया। गाड़ी की कटिंग चल रही है भाई, तो अब थोड़ी सी रुकी है तो पहले सामने वाली लाइन है ना उसको चला रहे हैं भाई, फिर तो उसके बाद हमारा नंबर आएगा। चलो है तो हम सबसे आगे यार, पर पहले वो ले निकलेगी उसके बाद अपना नंबर आएगा। भाई साहब बहुत देर में नंबर पड़ा है, लंबी लाइन थी भाई ट्रकों की, इन भाइयों ने मदद करी है भाई साहब धन्यवाद। ट्रक अब यहाँ रुके, अब हमारी लाइन चलेगी, अब उनका मन लगता नहीं है। भैया मैं जाऊँगा थोड़ा आगे, मत चला जा, थोड़ा गैप मेंटेन कर रखूँगा भाई, पता लगे बजरी उछल के आई और शीशे पर लग गई। पर यार इस पूरे ट्रिप पे नैनो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं स्कॉर्पियो को नहीं चला पाया भाई, मेरा पूरा मन था कि मैं ना स्कॉर्पियो को भी चलाता यार उपलिंगला ले जाते हुए, क्या चलो कोई नहीं पहुंच तो गई यार, मैंने चलाई भाई ने चलाई एक ही बात है। तो जी नकीला पास की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और भाई पहले गियर में चढ़ी जाएगी, दूसरा गियर तो नहीं लगेगा भाई, मैं थोड़ा सा गलत बोल बैठा, ये लाचुंगला पास है 16,616, मैं नकीला बोल रहा था ना, नकीला नहीं आया ये लाचुंगला है भाई। हाँ हाँ अभी तो उतराई है स्कॉर्पियो पे राउंड को लग रहा है, नहीं चल रहा, चलो वॉकी चेंज करता हूँ भाई इसका। भाई वो बोलेरो देख रहे हो नीचे, बोलेरो कैंपर शॉर्टकट मार के जा रही है अकेली, वो इतना जाएगी भाई साहब हमारी बोलेरो, हमारी बोलेरो नहीं हमारी नैनो स्कॉर्पियो भी जाएगी। यही है वो देखो कितने हमारे हेयर पिन बच जाएंगे वहां से, बेटे सीधा जाएंगे, दूसरा गियर लगाऊंगा इसमें,
ये देखो आराम से उतर जाएगी, स्पीड बढ़ती दिखेगी तो पहला लगा दूंगा भाई। चढ़ने में तो मान सकता हूँ भाई, मोमेंटम बहुत तगड़ा चाहिए होता है, मोमेंटम बीच में टूट जाता। हाँ, स्कोर पे चढ़ जाती है अपना 4x4 लगा के और फुल मोमेंटम बना के, रुकना भी पड़ जाए तब भी मोमेंटम बच जाता उसका। पर इससे ना भाई हमारा रास्ता काफी बच जाएगा। गूगल देखो कह रही है तू वहां से क्यों नहीं गया, कहाँ शॉर्टकट मार रहे थे, कितने सारे हेड पिन बचा के हम सीधा भाई साहब वहां पहुंचेंगे। लो भाई हम करेंगे नैनो से रिवर क्रॉसिंग। ओ भाई कहीं फंस ना जा भैया, है ज्यादा गड्ढा तो नहीं है, है? भाई देखी जाओगे तो घुसा दी, निकल गई भाई। तो जी नकीला टॉप भी कर दिया 15,547 फीट और यहाँ से हम अपने स्टार्ट हो जाएंगे भाई गटा लूप्स, हैं थोड़ी देर में, मतलब तुरंत प्रभाव से तो नहीं कह रहा, थोड़ी ही देर में। ये एक शॉर्टकट उतरा है, अब एक यहाँ से उतरेंगे, ये वाला बहुत ज्यादा स्टीप है भाई, एकदम से खड़ा है। ओहो पर कोई नहीं, हो जाएगा आराम से हो जाएगा। पहले गियर में लगाओ, क्लच छोड़ दो और ब्रेक पे पैर रखो। ओ भाई साहब खतरनाक है भाई ये फुल, देख के यूं टेंशन मत ले। ये बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस का नतीजा है भाई, वैसे रिस्क मत लेना भाई ज्यादा। ओ भाई कितने लूप हम काटाए, 4-5 लूप काटाए। तो जी शाम के बज गए भाई 5:50 और हम पहुंच गए भाई सरचू। सरचू में बहुत ठंड होती है भाई, हालांकि जितने भी कैंप साइट्स हैं इस टाइम मोस्टली भाई क्लोज हो चुके हैं, तो आप अगर भाई आए तो पहले से अपनी बातचीत करके आए भाई, और अभी ना ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है भाई, क्योंकि जो कंडीशंस है ना ऊपर भाई साहब बहुत ठंड हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड, और फैमिली के साथ तो बिल्कुल ही प्लान ना करें भाई। सरचू में पांग में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, और ऐसा है चाय पी ली भाई, टोस्ट ले लिया, इन तीन जमूरों ने भाई साहब अपनी मैगी चेप ली, ये लग गया स्टोरेज लगाने। क्यों, मेरा ये फोन है इसमें आ रहा जियो का नेटवर्क, ठीक है वो भी लग रहा, ये भी लग रहा, ठीक है भाई सारे लगे रहो। बस दीदी ने भाई चाय बहुत अच्छी बनाई, इधर करना कैमरा, मैगी भी बहुत अच्छी। अपना काम खत्म करने के बाद इंसान अपने काम फोन का काम खत्म करने के बाद फिर कहता तुम लोग फोन में से नहीं हटते हो, ठीक है भाई आला भाई का कंटेंट वंटेंट बनाना है वो ज्यादा जरूरी है, बट हमें भी भैया घर पर रिपोर्टिंग देनी होती है। अभी चार गाल खाइए भाभी से इसने। अभी भाई हम फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में भाई, इस दीदी ने बहुत अच्छी चाय बनाई और मैगी भी अच्छी बनाई और टोस्ट भी बहुत अच्छे भाई। आप सही, ना सही, सही में बता रहा हूँ, कभी सरचू आ रहे हो ना तो यहाँ की मैगी और चाय जरूर ट्राई करना। हाँ। खत्म तो कहते हैं बढ़ाने का तो तरीका होता है, टोस्ट और चाय स्वाद आ गया भाई, दूसरा कप लिया मैंने चाय का। तो जी 1650 किलोमीटर मतलब 1644 किलोमीटर हो गए भाई हमारे ट्रिप के, 12,33 किलोंग 107 मनाली 177, यहाँ पे एक बार एंट्री करवा देते हैं। चलो जी एंट्री हो गई, गाड़ी नंबर पूछा एंड भाई कहाँ से आए कहाँ गए, डन जी बता दिया सर, उमलिंग ला ले होके आए हैं अपनी टाटा नैनो को। तो अब हम एंटर कर जाएंगे भाई साहब हिमाचल में। अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये बना नहीं है ये वाला ब्रिज यार, चालू किए नहीं ये, उसी से जाना पड़ेगा जिससे आए थे, थोड़ा सा ऐसे कच्चा पक्का रिवर क्रॉसिंग टाइप, सूखा नहीं नीचे से ब्रिज, अभी बना बना है, फुल कंप्लीट जब सूख जाएगा तब रेडी करेंगे इसको। ये यार ये गलती करते देखो गाड़ी वाले, वो बलिनो वाले ने बिल्कुल उसके मुंह के आगे अड़ा दिया, वो ट्रक कहाँ से घूमेगा यार, नहीं करनी चाहिए ना ये ऐसे हरकतें, अब पीछे भी नहीं ले रहा। अब ये बताओ तीन ट्रक इधर हो गए, वैसे रास्ता या है नहीं ढंग का। ओहो देखो ऐसी जगह पे आपको चिल्ड बियर मिलेगी, है वाइन शॉप है भाई साहब, पर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। चलो फाइनली भाई बलिनो वाले की साइड हुई गाड़ी, चलने लग गई, लाइन लगी थी भाई बहुत लंबे वाली, अभी वो डोंट ट्रक ऊपर निकलेंगे ना भाई तभी निकालूंगा, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग है ना बीच में रोकनी नहीं है ना। चलो भाई साहब निकल जा 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 निकल जा। ओहो चलो कहेगी तो यार मेरे को इंडरएस्टिमेट कर लेता है यार विक्की तू, हैं जब मैं उंगली ला होया ही तो ये क्या चीज है, हैं चलो कोई नहीं यार अंडरएस्टिमेट नहीं करता मैं तेरे को यार, फिर कई बारी डर लगता है यार। तो भाई अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारी गाड़ी है वो हाईवे से अलग चल रही है, तो क्या हम गलत रास्ता चल गए, जी नहीं, ये रास्ता नया बनाया है बीआरओ ने, उसके साथ साथ जा रहा है ये पैरेलली, पहले वाला था उसमें बहुत ज्यादा ऊपर जाके ना हेयरपिन वाला था तो वो अलग था, ये वाला भाई अब नया बना है, ये भी भाई अब उसमें जाके ना वापिस से कनेक्ट हो जाएगा। जी पहुंच गए जी 12 ला चला, यही था भाई अपना पहला पास जहाँ से हमने भाई शुरुआत की थी भाई
नैनो के उमलिंग इलाके सफर की। तो लो जी वापिस से बारला चला पे मत्था टेकते हुए आप देख रहे हो कि हमारी नैनो भाई वापिस से जा रही है हाईवे की तरफ, नेशनल हाईवे 3। लेकिन अब मेन यही वाला है भाई, तो थोड़े दिनों में गूगल इसी को दिखाने लग जाएगा। ये छोटा सा पड़ता है भाई, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है ये, और सही भी है। ज्यादा एकदम से खड़ी चढ़ाई नहीं, उसमें ऊपर चढ़ो फिर बारला लाचा के लिए आओ, तो बस वही है, ये सही है भाई। पीआरओ भाई साहब करती रहती है काम, पीआरओ इन द सर्विस ऑफ नेशन। भाई वैसे तो मैं ट्रक वालों के ऊपर कभी टिप्पणी करता नहीं, क्योंकि भाई ये बहुत मेहनत करते हैं, लंबे लंबे ट्रिप्स पे चलते हैं भाई। लेकिन इस भाई ने ना जिद बांध रखी है मेरे से ना, कि नैनो मेरे साथ कैसे निकल जाएगी है। पीछे मैं ओवरटेक कराया नॉर्मल तरीके से जब भी, और वैसे मुझे लगता है भाई के जीवन में बहुत अंधेरा है, डार्क लाइफ लिख के चल रहा है। आशावादी इंसान होता ना है, कुछ अच्छा कोट लिखे मिलता ये। चलो भाई भगवान इस भाई को बुद्धि दे। लो जी मनाली रह गया 124, दिल्ली 664। ओ माय गॉड, अभी तो बहुत दूर है सफर भाई। गुरखा दे रखे यहाँ है हिमाचल पुलिस। रोको जी रोको, एंट्री कराओ जी। कहाँ से आए हो? हानले हानले H4 77A 2800। दो बंदे ये आपको पहचान में नहीं आई? नैनो उमलिंग लाओ क्या ये? इसमें दो हैं। अच्छा भाई सर को मेरा विक्रम है जी। भाई फाइनली वापिस से जिस्पा पहुंच गए, 360 किलोमीटर गाड़ी चलाई भाई। लगा था कि 12 बजे पहुंचेंगे, जिस हिसाब से 10 बजे चले थे हम हैं भाई, हम थे एकदम बिल्कुल खेचम खेच। जरा गाड़ियों की हालत दिखाओ, हालत देख लो भाई गाड़ी। इधर दिखाओ, इधर देखो गाड़ियों पे चढ़ी हुई है धूल, और वैसे हम पे भी चढ़ी हुई है धूल, ठीक है। तो हालत दोनों की रखी है भाई टाइट। वो वाली बात बतानी है, ड्राइवर को पीट दो तुमने मैंने कहा पीटा कट कर देना इसको भाई साहब। उस ड्राइवर को रोक के हमने तसल्ली से उसको प्यार से समझाया, बहुत प्यार से समझाया, बहुत प्यार से। फिर वो अपने घर बोला सर सॉरी सर गलती होगी, मैं आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। छोटी गाड़ी को देख के भाई जिद लगाई, खाई में गिरा देता वो हमारे को। भाई मेरे को ना प्रॉब्लम ये नहीं थी कि चलो ठीक है उसने ब्रेक मार दी है, ठीक है। प्रॉब्लम मेरे को ये लग रही थी जब आपने उसको आगे निकल गए ना पास देखे, हाँ हाँ, जिस हिसाब से वो भगा के ला रहा पीछे से भाई साहब मार देता, लिटरली मेरी तो फट गई थी। मैं कहा भाई मैंने राहुल को बोला, मैं कहा भाई जल्दी गाड़ी भगा, नहीं तो ये विक्रम भाई की गाड़ी में ठोकेगा ही ठोके। कर दिया था काम उसने भाई, उसके बाद हमने उसे ठोका मतलब मैंने नहीं, उन्होंने रऊफ लाला भाई असली दाढ़ी का जो खेल था ना आज रऊफ लाला ने दिखा दिया भाई कसम से। लाला हम बहुत शरीफ है। दो तीन गाड़ी को भाई उसने दबा दिया था, और मैंने वीडियो बोला भी था कि यार ये बंदा लिख रखा है बहुत बहुत तेज चलाता है, डार्क लाइफ मैं यार गलत कर रहा है। वो सच में डार्क लाइफ दिखा रहा था भाई, आज उनको दिखा दी थी मेरे को तो भाई। नैनो को तो पता नहीं क्या समझ रहा था, नैनो ही समझ रहा था। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आई डोंट नो कि आपने ऑटोमोटिव 17 की नैनो वाली सीरीज देखी है नहीं देखी है। देखे हो, देखो देखो। बट भाई सीरियसली मैं जब आया था मैं नैनो में गया था, बट उसके बाद मैं स्कॉर्पियो में ही बैठ गया था। ये इंसान अपने काम को लेके इतना पैशनेट है, इतना पैशनेट है, मतलब लाइक एक होता ना एग्रेशन भाई, मैंने देख लिया भाई। और भाई कोई नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ये तो, मतलब एक ये इसलिए नहीं कि मैं व्लॉग चल रहा बोल रहा हूँ, बट जो जेन्युइनली मैंने देखा भाई मेरी हिम्मत नहीं है भाई। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि थोड़ी बहुत देर जाके चला दिया, उसके बाद नहीं भाई। ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो ये, पर इतना कहूँगा हिम्मत और पेशेंस दोनों ही चाहिए इस गाड़ी को चलाने के लिए इन एक्सट्रीम कंडीशंस पे। बाकी ये सारा ही ट्रिप भाई मेरा ट्रिब्यूट रहेगा सर रतन टाटा जी को। मतलब मैं ये चाहता था कि यार बस हर वीडियो में बोल रहा हूँ जब से वो गए हैं, मैं कोई स्टोरी पोस्ट भी नहीं डाल पाया अब तक उनके लिए ना, पता नहीं मन में क्या चल रहा है क्या है क्या नहीं। पर ये लग रहा है कि यार देश ने बहुत कुछ खोया है। वो इंसान ऐसे थे जिन्होंने ना अपना बाद में सोचा, देश का पहले सोचा है। नवरत्न हमें पता है ना कि नवरत्न कौन कौन सी कंपनीज है, तो मुझे लगता है 10वां रत्न वो भी थे, तो इज रत्न फॉर आवर कंट्री जो हमने, ठीक है
चलो जो भी है यहीं पे खत्म करते हैं आज की वीडियो को। बाकी तुम बोलना, मैं कट कर दूं इसको। बोल दो भाई, बोल दो। चलो जी का भाई, चलो जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और हाँ, आपके इस ट्रिप से रिलेटेड, नैनो से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, काफी भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि विक्रम भाई आप ये नैनो हमें सेल कर दो, बहुत मोटा मोटा प्राइस भी बोला है भाई काफी लोगों ने, क्योंकि ये अब एक आम नैनो नहीं रही भाई, ये उमलिगला पोज का ही है और भाई ट्रिब्यूट है ये रतन टाटा सर को। एक भाई ने तो बोला विक्रम भाई आप इस गाड़ी का ऑक्शन रखो। चलो आप बताना भाई क्या करना चाहिए, मुझे ये गाड़ी रखनी चाहिए या किसी अपने यारे प्यारे अपने प्यारे यूट्यूबर को देनी चाहिए? मैंने ना एक ये शूट किया था, ये दिखा भाई, एकदम मेरे को कड़ा लग रहा है भाई, ये खतरनाक। अरे भाई साहब, अभी तो जो वीडियोस आपने देखी है ना शूट करने में, भाई बहुत मेहनत लगाई है इस बार भाई हमने। और चलो यार, अब आज थोड़ा सा एंजॉय करेंगे भाई। वापस जिसपा आ गए हम सिरामणि कैंप में, अभी नम्याल जी के साथ बैठेंगे और जिप्सी की सेटिंग करेंगे। जिप्सी भी तो लेके जानी है।